सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्टेनोग्राफर, यूडीसी और एमटीएस की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी पहले ही दे दी है। इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। और ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर वैसे तो यूडीसी का है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2016 में। यूडीसी मेंस का ये एग्जाम दोस्तों हुआ था आपका 21/3/2016 के दिन सेकंड शिफ्ट में, और ये 7th शिफ्ट का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूडीसी, स्टेनोग्राफर या एमटीएस किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा। आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितने एक सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से कितने एक सवाल पूछे जाते हैं, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सब से मिलाकर कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो सेशन में जीके का सेक्शन करवाने वाला हूँ। जीके में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपको अगर तैयारी करनी है तो किस प्रकार से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। और ये जो मेंस का मैं आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसका पेपर कैसा आता होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सारे ओल्ड पेपर जो है वो सोल्व करवाऊं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। आप जितना सपोर्ट करोगे, मैं उतना जल्दी आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो सेशन में ओनली मैं जीके का सेक्शन आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। 7th शिफ्ट का एग्जाम है, 2016 में कंडक्ट करवाया गया था, जो कि ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस एग्जाम में 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया गया था, और ये 200 मार्क्स का आपका एग्जाम था, और इसमें 200 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जीके का सेक्शन। जीके का सेक्शन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले वीडियो सेशन में मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उनके बारे में, डिटेल सिलेबस के बारे में सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। तो जो लोग नए हैं ना चैनल पर, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। काफी शानदार रिक्रूटमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी रिक्रूटमेंट काफी कम देखने को मिलती है, क्योंकि अच्छी भली तो इसमें आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, और अच्छी भली इसमें आपकी सैलरी भी रहेगी। अभी दोस्तों 151 से इसका जीके का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो 151 में निकाल लेता हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ काफी नीचे, क्योंकि लेंथ ही पेपर होता है ना इसका, बस लेंथ ही होता है, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप ये जो पेपर में करवा रहा हूँ, इसको आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें आगे क्या करना है, ठीक है। और ये भी साथ में बताता जाऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है इस बात की, काफी अच्छी भर्ती है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी जानकारी दी है। अब दोस्तों शुरू करते हैं जीके का सेक्शन, जो कि 151 से आपका स्टार्ट होने वाला है। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था जीके में। यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन जो जीके के सेक्शन में आया ये था, इसमें देखिए 50 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे गए थे, ठीक है, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम था। लेकिन मैं कहूंगा स्टेनोग्राफर एमटीएस वाले भी इस पेपर को ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में शब्द जोड़ा गया दोस्तों, अखंडता, ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? मौलिक जो अधिकार है उनकी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी समाप्त करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 इससे संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर। देखिए, सबसे पहले इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे गए हैं ना, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इसमें अंतरराष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये दोस्तों कौन करता है, ये करता है आपका अध्यक्ष, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, यानी प्रेसिडेंट। अगला सवाल पूछा गया, लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है? तो 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो काल होता है उसको बोलते हैं लोकसभा का शून्यकाल। इसके बाद में सवाल पूछा गया, अब यहां पर देखिए मैंने कितने सवाल आपको करवा दिए हैं, यहां पर मैंने आपको करवा दिए हैं 5 क्वेश्चन, जो कि सीधा पूछे गए हैं कहां से,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। इसके बाद में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है अवार्ड से रिलेटेड। कर्णम मल्लेश्वरी ने किस साल ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, तो 2000 सन 2000 में ये कांस्य पदक जीता था मल्लेश्वरी ने, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया जमनलाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो अवार्ड से रिलेटेड दो क्वेश्चन तो आ ही गए हैं। इसके बाद फिर से देखिए तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योग में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, तो राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार दिया जाता है उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो टैगोर पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है, तो राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीवन संरक्षण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर। अब यहां पर देखिए दोस्तों मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो करवाए ये कहां से पूछे गए, ये अवार्ड से रिलेटेड है, पुरस्कारों से संबंधित है। इसके बाद में देखो आगे सवाल पूछा गया है पुस्तक से संबंधित, यानी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड 1 क्वेश्चन करवा दिया है। इसके बाद देखिए इसके बाद जस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया इन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी, तो ये विक्रम सेठ की पुस्तक है इन इक्वल म्यूजिक। इसके बाद में फिर से देखिए पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है, तो गोल्डन थ्रेश होल्ड जो कविताओं का संग्रह है ये दोस्तों किसका है, सरोजिनी नायडू का है। इसके बाद में फिर से देखिए क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया गीत गोविंद किसने लिखा है, गीत गोविंद दोस्तों लिखा है जयदेव ने। तो यहां पर देखिए 5 क्वेश्चन कहां से पूछे गए, सीधा सीधा बुक्स एंड ऑथर से पूछे गए। कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस एग्जाम में। अगला सवाल पूछा गया गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है जो कि आपका वल्लभी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, तो एम एफ हुसैन जो है ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, तो ये कला संस्कृति से संबंधित सवाल भी पूछा गया। इसके बाद में पूछा गया हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय है, तो हरि प्रसाद चौरसिया दोस्तों बांसुरी के लिए लोकप्रिय है। इसके बाद सवाल पूछा गया कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं, तो संगीत निर्देशक इलिया राजा जो है ये दोस्तों उस्ताद के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद में सवाल पूछा गया डोल जात्रा जिसको बोलते हैं योसंग त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है मणिपुर में। तो भारतीय कला संस्कृति से संबंधित सवाल काफी अच्छे इसमें पूछे गए हैं। इसके बाद में पूछा गया है राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था। तो ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसके बाद में सवाल पूछा गया किस संशोधन अधिनियम में दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में प्रस्तावित किया गया, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में प्रस्तावित किया गया 50वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, तो ये भी पॉलिटी से संबंधित है। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थाई घर कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये दोस्तों आपका है राज्यसभा। राज्यसभा को स्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसको पूरी तरह कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो ये भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में पूछा गया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो जो अध्यक्ष होता है जो प्रेसिडेंट होता है वो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या करता है, नियुक्त करता है। इसके बाद में सवाल पूछा गया भारत में पहली बार किस साल आम चुनाव का आयोजन किया गया था, तो पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे 1952 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका है बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया जनवरी 2016 में आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया, तो ये परीक्षण दोस्तों किया गया चांदीपुर ओडिशा में। अभी दोस्तों यहां तक देखिए हमने भारतीय राजव्यवस्था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 10 सवाल कर लिए हैं। कितने सवाल कर लिए हैं, 26 सवाल मैंने आपको 25 सवाल करवाए हैं जिसमें से 10 से 12 सवाल कहां से पूछे गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और भारत की राज व्यवस्था से, ठीक है। और 5 सवाल मैंने आपको सीधा सीधा बताया कहां से पूछे गए हैं, बुक्स एंड ऑथर से, अवार्ड से, और फिर जो
क्लासेस करती है, ठीक है, वहां से सवाल पूछे गए। इसके बाद में देखिए सवाल पूछा गया, जनवरी 2016 में आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया, चांदीपुर ओडिशा में किया गया। इसके बाद में देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शशांक मनोहर, उस समय का ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर के भी 4 से 5 सवाल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये जो एग्जाम है ये बड़ा असेंबल तरीके से लिया गया, मतलब बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबको एकदम अरेंज करके पूछा गया, ये अच्छी बात है। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल है, 13 फरवरी 2016 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे किए थे, तो 13 फरवरी 2016 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 16 वर्ष संपन्न कर लिए थे। अगला सवाल, आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है, उस समय का ये करंट का क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर था। अगला सवाल पूछा गया, वर्ष 2017 में अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2017 में किसने की थी, भारत ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद सवाल पूछा गया, भारत द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो यह पहला इकोनॉमिक से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तो इसमें सही आंसर था मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के अंदर अपनाई गई है। इसके बाद सवाल पूछा गया, राष्ट्रीयकरण के बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना, तो ये दोस्तों बना था भारतीय स्टेट बैंक, तो ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है वैसे। अगला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, तो प्रोफेशनल जो टैक्स होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है, तो ओडिशा दोस्तों उस समय आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें गरीब राज्य जो बना था। अगला सवाल है, नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इसके बाद में सवाल पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है, तो हुड़हुड़ दोस्तों क्या नहीं है, एक फसली मौसम नहीं है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद में पूछा गया, भारत में शोध केंद्र ICAR का पूरा नाम क्या है, दोस्तों ICAR में अभी अभी टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। और ICAR टेक्नीशियन के लिए मैं 2 वीडियो सेशन डेली लेकर आता हूं, एक तो जनरल साइंस का और एक सोशल साइंस का, बड़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है और बड़ा शानदार तरीके से इसका एग्जाम होने वाला है, बस इसमें एक ही एग्जाम है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए सही आंसर था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल पूछा गया, कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, तो इसमें मणिपुर सही आंसर था, मणिपुर 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल पूछा गया, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहां पर स्थित है, तो ये भी सीधा स्टैटिक जीके से सवाल पूछा गया, जो कि कहां पर है गोल गुंबज, कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद में सवाल आया, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने स्थानांतरित किया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में शुरू हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था 1942 में, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन आया, स्वराज आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था एनी बेसेंट ने, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन आया, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया, तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों हराया था। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था मुमताज बेगम की याद में। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया, एस शब्द निम्नलिखित में से खेलों में से किसके साथ में जुड़ा हुआ, तो एस जो है ये दोस्तों है लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाए वो कहां से आगे, वो हिस्ट्री से आगे, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया, कॉर्बिलोन कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो कॉर्बिलोन कप जो है ये टेबल टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कभी नहीं रहा है, तो नवजोत सिंह सिद्धू दोस्तों भारतीय टीम का कप्तान नहीं रहा है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी 4 से 5 सवाल इस एग्जाम में, इस पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक विजेता नहीं है, तो गुट्टा जवाला जो है ये ओलंपिक पदक विजेता नहीं, बाकी मेरी कॉम, केमलेश्वरी और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक पदक विजेता है। अगला सवाल पूछा गया,
2014 हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था नीदरलैंड में आयोजित। अब दोस्तों मैं आपको इसका एक छोटा सा कंक्लूजन मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद में मैं आपको इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसकी कट ऑफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें कहां से कितने सवाल आएंगे, ये भी मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा आने वाले वीडियो सेशन में। तो जो लोग नए हैं ना, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेवे, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको एक इसका निष्कर्ष निकाल के अगर मैं बताऊं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 5 से लेकर 10 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। प्लस में एड कर देता हूं भारतीय राजव्यवस्था के कितने सवाल, लगभग 2 से 3 सवाल, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करूं तो 5 सवाल हिस्ट्री के पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो लगभग 5 सवाल इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं अवार्ड्स की तो 5 सवाल सीधा पूछे गए हैं। इसके बाद में स्पोर्ट्स की तो 5 सवाल सीधा पूछा गया है। इसके बाद में बुक्स एंड ऑथर्स की तो 5 सवाल सीधे पूछे गए हैं। इसके बाद में हिस्ट्री की बात करूं तो 5 से 7 सवाल सीधे पूछे गए। स्टैटिक जीके की बात करूं तो 5 से लेकर 10 सवाल स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा आने वाले वीडियो सेशन में। तो जुड़े रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।